फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द डेंसिटी। ठीक है जी, मैं डेंसिटी का बेसिक मीनिंग समझता हूं। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हमने डिफाइन कर रखा है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस विद द वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो मैं यहां से क्या लिख दूं, इसको जब हम बेसिक समझ रहे थे तो मैंने यहां से क्या लिखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास एम अपॉन वॉल्यूम बी। यस और नो? इस बी को मैं इस तरह से काट रहा हूं जिससे वॉल्यूम में और आपको वेलोसिटी में कंफ्यूजन ना हो। थोड़ी देर बाद मैं वेलोसिटी लिखूंगा, वो भी लिखूंगा, है ना। इसलिए मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द रो। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी हो। अब यहां से मेरे पास तीन पैरामीटर मिले। बेसिक समझने की कोशिश करना, डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करना। डेंसिटी का जो मेरे पास तीन पैरामीटर मिले कि ये किस किस कंडीशन में डिपेंडेंट होगी, कौन कौन से पैरामीटर पर। मैंने कहा पहला पैरामीटर है मास, यस और नो। दूसरा पैरामीटर है वॉल्यूम। तीसरा पैरामीटर है मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम, देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। पहला पैरामीटर है इफ मास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहला पैरामीटर मैंने क्या माना, यदि मास क्या हो? कॉन्स्टेंट हो। ठीक है जी। दूसरा पैरामीटर मैंने क्या माना, इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। मतलब जब मास कॉन्स्टेंट होगा तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं होगा, और जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो मास कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तीसरा कंडीशन मैंने क्या माना, इफ मास इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट, दोनों ही कॉन्स्टेंट नहीं है। ये हमने तीन कंडीशन को देखा है। इन तीनों कंडीशंस में अगर मैं देखूं तो क्या क्या मेरे पास कहानी होगी। देखो, इफ मास इज कॉन्स्टेंट और इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, मैं पहला कंडीशन देख रहा हूं, इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो डेंसिटी इक्वल टू होगी क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, यही है ना। अब वॉल्यूम क्या हो गया जी? कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम हो गया जी कॉन्स्टेंट। जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब फिजिक्स बोलता है कॉन्स्टेंट को हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी लगा दो। भाई कॉन्स्टेंट हटा के ही तो प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं हम। जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इफ मास इज इंक्रीज देन डेंसिटी इज इंक्रीज, यस और नो। जब क्या कॉन्स्टेंट है? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो किस तरह की कहानी होगी। जैसे ये पानी की मेरे पास कोई बोतल है, इस पानी की बोतल में एक लीटर वाटर आता है, यस और नो। मतलब एक लीटर इसका वॉल्यूम है। एक लीटर अगर पानी आ रहा है तो एक लीटर क्या है? इसका वॉल्यूम है। तो मैंने सेम वॉल्यूम की दो बोतल उठाई, सेम वॉल्यूम की मतलब सेम एज इट इज दो बोतल उठाई, सेम कंपनी की है और सेम इसका वॉल्यूम है। यहां से मेरे पास दो बोतल है, एक बोतल तो ये रही, यस और नो, और दूसरी बोतल ये रही। दो बोतल हमने उठा लिया, दोनों का वॉल्यूम क्या है जी? सेम, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है? वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कोई समस्या? मैंने इसके अंदर भी कुछ लिक्विड फिल किया है, इसके अंदर भी लिक्विड फिल किया है। इसके अंदर जब मैंने लिक्विड फिल किया वो था वॉटर, इसके अंदर हमने क्या फिल किया है? वॉटर। लेकिन मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है मरकरी HG। इसके अंदर क्या फिल किया है? मरकरी, यस और नो। जब मैंने इसको रखा तराजू पे, दोनों में एक एक के अंदर वाटर फिल कर दिया, एक के अंदर क्या फिल कर दिया? मरकरी। और इसको तराजू पे रखा तो मरकरी का वजन ज्यादा था, मरकरी का वजन ज्यादा। हमने कहा कि वॉल्यूम सेम है, एक लीटर दोनों बोटल्स का वॉल्यूम है, तो वजन बढ़ कैसे गया? वजन बढ़ने का कारण क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। देखो, किलोग्राम बढ़ा है ना, किलोग्राम बढ़ा है मतलब मास बढ़ गया है, यस और नो। मास कैसे बढ़ा है उसको हम समझना चाहते हैं। देखो, जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी पर्टिकुलर स्पेस में डालते हैं, मतलब मैंने कहा बोतल में डाल रहे हैं या फिर
कोई हमने बर्तन ले रखा, उस बर्तन में हम डाल रहे हैं, तो उसके मास वहां पर एंटर होते हैं, यस और नो? उसका मास एंटर होता है। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो उसका ज्यादा मास एंटर होगा, किसी का वजन कम है तो कम मास एंटर होगा, यस और नो? तो कम मास अगर एंटर हो रहा है तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो ये फ्लूड आया है, इसके जो मॉलिक्यूल्स यहां पर आ रहे हैं वो इस तरह से बैठे हुए हैं, यस और नो? ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मॉलिक्यूल्स हैं। और यहां से ये फिल हो गए। अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, हमने कहा यहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि मास बढ़ गया है, मास बढ़ा है, डेंसिटी बढ़ गया ना, यहां मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इसी कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, अभी यहां पर 200 स्टूडेंट बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, यस और नो? और इसी कमरे में अगर मैं 100 स्टूडेंट और एंटर करा दूं तो आप बिल्कुल पास पास होकर बैठोगे, और पास पास होकर बैठोगे तो मतलब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो ये इस तरह से आएंगे, यस और नो? तो जब हम, अगर मैं बात करूं कि यहां पर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, कम है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो मास क्या आएगा? ज्यादा। और मास ज्यादा आएगा तो मास की मोहब्बत में पागल है डेंसिटी, तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। इफ मास इज इंक्रीज द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। तो कंडीशन इज दैट सिंपल, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, पॉइंट टू बी नोटेड, जब क्या हो, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो तो डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर? मास पर, यस और नो? अगर यहां पर, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं और यहीं से एग्जामिनर के दिमाग में गंदगी पैदा हो और वो बहुत अंदर जाने की कोशिश करे, तो वो क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, कोई हमारे पास फ्लूइड है, कोई हमारे पास सब्सटेंस है, उनके मॉलिक्यूलर, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, यस और नो? और जिनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यस और नो? अगर मैं मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस की बात करूं किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी फ्लूइड में, यस और नो? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज हायर, द डेंसिटी इज लोअर। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लोअर, द डेंसिटी इज हायर, यस और नो? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। कोई समस्या? दूसरा कंडीशन में देखना चाहता हूं। दूसरा कंडीशन है व्हेन मास इज कॉन्स्टेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज कॉन्स्टेंट। अब भैया मास हमने कर दिया जी कॉन्स्टेंट, मास कॉन्स्टेंट कर दिया, फिजिक्स ने वही बोला, कॉन्स्टेंट हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, कॉन्स्टेंट हटा दिया हमने, प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, तो यहां से कंडीशन क्या हो गया? इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज देन डेंसिटी इज डिक्रीज। होगा ही। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, जैसे ये पार्टीशन है, यहां से दीवार है, इस दीवार को मैं उधर की तरफ खिसकाने की कोशिश करता हूं, तो आपके बीच की दूरी बढ़ेगी, मतलब इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा। इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ना मतलब डेंसिटी का कम होना होता है, यस और नो? ये हमारे पास कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, इफ मास इज नॉट कॉन्स्टेंट देन वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट। ना तो मास कॉन्स्टेंट है ना ही वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, यस और नो? तो हमने किया क्या, जैसे ये हमारे पास एक रूम है, इस रूम की मुझे डेंसिटी निकालना है, इस रूम का मास क्या है? एम है, और डेंसिटी, सॉरी, वॉल्यूम क्या है? वी है, ठीक है जी? इस रूम का डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होगा ना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने कहा इनका हो गया बंटवारा, ये कमरा दो भागों में बट गया, ये रूम दो भागों में बट गया, ये प्लॉट दो भागों में बट गया। अब इसका मुझे डेंसिटी निकालना हो, इसका मास, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बी बाई टू, यस और नो? इसका मास कितना हो गया? एम बाई टू। तो अगर मैं इसका डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई टू अपॉन बी बाई टू। टू से टू कैंसल, दिस इज द एम बाई बी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, यस और नो? डेंसिटी क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी जब मास और वॉल्यूम
दोनों साथ साथ चेंज हो रहे हो तो कभी भी डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अब देखिए, जैसे पानी का एक समुद्र है, उसका डेंसिटी मैं निकालूं वाटर का, फॉर एग्जांपल उसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यस और नो? उसके अंदर जो पानी भरा हुआ उसका डेंसिटी कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसमें से मैंने एक गिलास पानी बाहर की तरफ निकाला, उस पानी का डेंसिटी भी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यस और नो? उसमें से एक बूंद पानी की गिरेगी, उसका डेंसिटी भी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर जो की कंडीशन होती है वह जितना मास होता है उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। जितना मास चेंज होगा उतना ही वॉल्यूम चेंज होगा। जिस रेशो में मास चेंज होता है उसी रेशो में क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है, यस और नो? जैसे यहां पर मास आधा हुआ तो वॉल्यूम भी आधा हुआ, मास 1/3 हुआ तो वॉल्यूम भी 1/3 होगा। तो जिस रेशो में मास चेंज होता है उसी रेशो में क्या चेंज होता है? वॉल्यूम। इसलिए जब मास और वॉल्यूम दोनों ही कॉन्स्टेंट नहीं हो तो डेंसिटी किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगी, यस और नो? डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, पॉइंट टू बी नोटेड, यस और नो? डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास जब दोनों ही पैरामीटर कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर एक पैरामीटर कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट का मतलब मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मान लिया, तो डेंसिटी मास पर डिपेंड करेगी। अगर मास कॉन्स्टेंट है तो डेंसिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, यस और नो? ये तो है डेंसिटी का बेसिक मतलब फिजिकल मीनिंग हमने समझा है। कोई समस्या? अब हम देखते हैं इसका जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो। हमने कहा है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी बराबर मैं क्या लिख दूं यहां पर? डेंसिटी बराबर लिख दिया मैंने मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई समस्या? मास एम, वॉल्यूम बी। अगर मैं यूनिट लिखूं यहां पर, यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी जी? यूनिट हो गया, मास को लिख दिया मैंने किलोग्राम और ये मीटर क्यूब, यस और नो? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम। ये इसका कौन सा यूनिट हो गया? दैट इज द एमकेएस यूनिट। हमें चाहिए इसका सीजीएस यूनिट। किलोग्राम को क्या कर दें? ग्राम। मीटर को क्या कर दें? सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट। अगर निकालनी हो मुझे डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम वन एल माइनस थ्री और टी जीरो, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है जी। मैं अगर इसमें देखना चाहूं यहां पर अगर हम देखना चाहें बेसिक कंसेप्ट, हमें निकालना हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मुझे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, यस और नो? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10^-3 किलोग्राम, यही होता है 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10^-3 किलोग्राम। ठीक है जी। 1 सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर, और 10^-2 मीटर का मतलब 10^-2^3 और ये मीटर क्यूब। किसी को कोई समस्या कैलकुलेशन में? 10^-3, 10^-, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 10^-3 किलोग्राम अपॉन 10^-6 मीटर क्यूब। 10^-6 जो बना है यहां पर, 3 × 2 = 6 नहीं है, 2+2+2 = 6 है, यस और नो? घातें आपस में जुड़ती हैं, मल्टीप्लाइड नहीं होती, मालूम है ना मैथमेटिक्स? 3 × 2 = 6 नहीं है, 2+2+2 = 6 है। कोई समस्या? अब 10^3 से ये कैंसिल हो गया, यहां बच गया 10^-3, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 10^+3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने यहां से कहा 1 ग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब,
हाँ बिल्कुल, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये निकल का आया। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। मैंने वाटर की डेंसिटी दोनों ही यूनिट में निकाली है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 CGS यूनिट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, यस और नो, और 1000 × किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो। मुझे निकालनी है Hg के लिए, मरकरी के लिए, डेंसिटी ऑफ Hg मरकरी के लिए, वो होती है 13.6 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है? लिखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये हमारा चैप्टर है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। पहला प्रॉपर्टी है डेंसिटी, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमने देखा डेंसिटी, अब हम देखेंगे डेंसिटी पर प्रेशर का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है जी? डेंसिटी पर प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो हमारा टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट में हम कौन कौन सा इफेक्ट देखते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे और टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। डेंसिटी पर इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट में हमारे पास टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यस और नो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं जी? फ्लूड के ऊपर, यस और नो। और फ्लूड का मतलब क्या हो गया? लिक्विड और गैस दोनों। तो हम दो टेबल बनाएंगे, एक तो लिक्विड वाली और एक गैस वाली। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक तो मैंने टेबल बनाई लिक्विड, मतलब एक तो यहां पर लिखा लिक्विड। कोई समस्या? लिक्विड को हम देखेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा? गैस। दूसरा मेरे पास होगा गैस। हमने यहां पर बनाया लिक्विड। अब मैं लिक्विड के बारे में देखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है जी? लिक्विड की अगर मैं बात करूं, लिक्विड में भी जब मैं देखूंगा प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट, दोनों इफेक्ट देखूंगा, तो पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। पहला कंडीशन हुआ मेरे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। समझने के लिए अगर मैं देखता हूं कि ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, इसके ऊपर मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, बदल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी, यस और नो। तो इसकी डेंसिटी रो थी, इसकी डेंसिटी अब रो से हो गई रो वन। डेंसिटी क्या होगी? रो से रो वन। हमने पूछा कि बताओ बेटा कि इसका जो डेंसिटी रो से रो वन हुआ है, ये किसके कारण हुआ है? तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि प्रेशर के कारण हुआ है या टेम्परेचर के कारण, क्योंकि दोनों चीज ही बदल रही हैं। अगर मैं ऐसा करता कि जब मैं प्रेशर को बढ़ा रहा होता तो इस टेम्परेचर को क्या रखूं? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को रखूं कांस्टेंट तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये डेंसिटी प्रेशर के कारण इंक्रीज हुई है, यस और नो। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो गया कि जब मैं प्रेशर का इफेक्ट देख रहा हूं तो टेम्परेचर क्या रहेगा जी? कांस्टेंट, यस और नो। टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस इज H2O वाटर, यस और नो। टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट कर दिया और वर्किंग सब्सटेंस क्या है हमारे पास? वाटर है। कोई समस्या? वर्किंग सब्सटेंस वाटर है। मैंने कहा जब प्रेशर है
वो प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm. जब एक atm प्रेशर है, एक atm प्रेशर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आया हमारे पास 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एक्सपेरिमेंटल डेटा, यस और नो? प्रेशर कितना है? 1 atmospheric प्रेशर एंड 20 degree centigrade. 1 atmospheric प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो प्रेशर एटमोस्फियर पर हमारे ऊपर लग रहा है, जो हम प्रेशर महसूस कर रहे हैं, दैट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर. यस और नो? इसकी वैल्यू होती है 101325 पास्कल के बराबर. कोई समस्या? एटमोस्फेरिक मास के कारण, जो हमने कल समझा था, एटमोस्फेरिक मास के कारण जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. यह है हमारे पास एक एटीएम प्रेशर पर. अब मैंने इसको बढ़ाकर कर दिया 100 atm प्रेशर. कोई समस्या? क्या कर दिया? 100 atm प्रेशर. जब 100 atm प्रेशर के बराबर कर दिया तो इसकी डेंसिटी हमारे पास हो गई 1003 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 1003 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. हमने कहा डेंसिटी तो बढ़ा है, लेकिन इस तरह से बढ़ा हुआ हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे परसेंटेज चेंज. कितना? परसेंटेज चेंज. अगर डेंसिटी 5% से ज्यादा बदलती है तो कंसिडरेबल होती है, अदरवाइज वो नेग्लिजिबल होती है. यही तो निकालते हैं हम चेंजेस. अगर मैं कहूं कि 100% में से 5% से ज्यादा चेंज हुए हैं तो उनको हम कंसिडर करते हैं, और 5% से कम हुए उनको हम नेग्लिजिबल मानते हैं. यस और नो? तो हमने कहा परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज बराबर. फाइनल क्या है? 1003. इनिशियल क्या है? इनिशियल क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल इनटू इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100. यस और नो? तो हमारे पास आया ये 0.5%. 0.5% इज नेग्लिजिबल वैल्यू. यस और नो? तो मैंने इसको बोल दिया नेग्लिजिबल. तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन इज दैट सिंपल. फॉर लिक्विड इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन डेंसिटी इज नॉट इंक्रीज और डेंसिटी इज रिमेन कांस्टेंट. यस और नो? जब लिक्विड के ऊपर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी उनकी चेंज नहीं होगी. दैट्स व्हाई ऑल लिक्विड आर बिहेव एज द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. इसलिए सभी लिक्विड्स को हम इनकंप्रेसिबल बोलते हैं. यस और नो? इनकंप्रेसिबल कल शब्द पढ़ा था ना. इनकंप्रेसिबल का मतलब जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता मतलब प्रेशर बढ़ाने पर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कम ज्यादा नहीं होगी, और मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी ही तो डेंसिटी है. जब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कम ज्यादा नहीं हो रही है तो कंप्रेस नहीं हो रहा, दबाया नहीं जा रहा. यस और नो? तो ये हो गया कि यहां पर डेंसिटी का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है. हमने कहा बदलता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं बदलता हो, बदलता है, थोड़ा बहुत बदलता है, लेकिन कंसिडर करने योग्य नहीं है. जिसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है इसलिए मैंने उसको क्या माना है? नेग्लिजिबल माना है. यस और नो? तो ये हो गया हमारे पास किसका इफेक्ट? प्रेशर का. प्रेशर का अब हम देखना चाहते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट. कोई समस्या? मैं इसके नीचे देख रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. लिखो जब मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का इफेक्ट देखूंगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखूंगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. तो टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहा हूं तो 1 atm प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस इज H2O. वर्किंग सब्सटेंस क्या है? H2O. इफ टेम्परेचर इक्वल टू 20 degree centigrade देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सेम 20 degree 1 atmospheric प्रेशर, सेम डेटा मैंने लिख दिया. कोई समस्या? अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं 75 degree centigrade तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 975 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के लगभग हमें वैल्यू मिली. यस और नो? अब मैंने क्या किया? परसेंटेज चेंज. क्या किया है? परसेंटेज चेंज. फाइनल क्या है? 975, इनिशियल 998 अपॉन 998 इंटू 100%. दिस इज माइनस 2.3%.
-2.3%, यस और नो? माइनस का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो गया, माइनस का मतलब है कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। प्लस का मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बढ़ रही है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो डेंसिटी घट रही है। लेकिन हमने कहा कि वही हमें 5% चाहिए, ये 5% से फिर कम है, दैट वैल्यू इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, यस और नो? दिस वैल्यू इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। ये भी क्या हो गया? नेग्लिजिबल। तो कंडीशन इज दैट सिंपल। जो क्वेश्चन है, ये डेटा तो कोई नहीं पूछने वाला, ये तो समझने के लिए है। और हमसे कोई अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन कभी करने का मौका मिला और पूछ लिया कि प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर, तो इसी तरह से तो प्रूव करेंगे, फिर क्या करेंगे, है ना? तो ये समझने के लिए है, इनके माध्यम से हम आसानी से समझते हैं। जैसे न्यूमेरिकल क्या होता है, एक तो न्यूमेरिकल अप्रोच से हमारा मेंटल एबिलिटी बढ़ता है, दूसरा फार्मूले को याद करने का सबसे सुगम तरीका होता है, यस और नो? जो फार्मूले हम जो याद करते हैं उनको आसानी से याद किया जा सकता है जब हम न्यूमेरिकल में उसको अप्लाई करते हैं, तो ऐसा ही इनका जुगाड़ है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। लिक्विड की डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होती है, प्रेशर बढ़ाने पर ना तो बढ़ेगी ना ही टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी या घटेगी, कोई समस्या? ये तो हो गया हमारे पास किसका इफेक्ट, प्रेशर का। अब हम देखें, सॉरी, प्रेशर और टेम्परेचर का किस पर, लिक्विड पर। अब हम देखेंगे किस पर, गैसेस पर। फोर गैसेस के लिए हम बात करें। अब भैया वर्किंग सब्सटेंस गैसेस में किसको मानते हैं हम, एयर को। स्टैंडर्ड फ्लूड कौन है, एयर। एयर का मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब आइडियल गैस, यस और नो? और आइडियल गैस का मतलब इस पर आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, यस और नो? तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पर या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी, जहां पी क्या है, प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, यस और नो? एम क्या है, मास, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, यस और नो? वेयर पी क्या है, पी इज द एब्सोल्यूट प्रेशर और V इज द वॉल्यूम, M इज द मास, R इज द गैस कांस्टेंट और करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। ये हमारे पास वैल्यू निकलता है। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी, पी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। चूंकि हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी, तो मैं यहां से क्या लिख दूं, पी इज इक्वल टू रो आर टी, पी इज इक्वल टू रो आर टी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में प्रेशर भी है, इस इक्वेशन में टेम्परेचर भी है और इस इक्वेशन में डेंसिटी भी है। इन तीनों के बीच में रिलेशन इससे निकाला जा सकता है, कोई समस्या? तो इनके बीच में मैं रिलेशन निकाल रहा हूं। तो पहला देख रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यस और नो? जब मैं प्रेशर का इफेक्ट देखूंगा तो हम जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर इज रिमेन कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट। अब देखो कि P इज इक्वल टू रो आर टी, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है, कॉन्स्टेंट कर दिया है, तो P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू R क्या है, कॉन्स्टेंट, यस और नो? कॉन्स्टेंट तो है ना, और ये टेम्परेचर क्या कर दिया आपने, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल का आएगा,
कांस्टेंट। भैया दो क्या है कांस्टेंट, दो लिखा कांस्टेंट इनटू फाइव, फाइव भी कांस्टेंट है, बराबर क्या आया टेन, आएगा तो कांस्टेंट ही ना। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आएगा तो कांस्टेंट ही। तो ये दोनों क्या हो गए कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट इनटू रो, यस और नो, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू रो। अब कांस्टेंट में हटा दूं और क्या लगा दूं प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज द फंक्शनलिटी, इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन डेंसिटी इज इंक्रीज। गैसेस के लिए प्रेशर बढ़ाने पर उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं, यस और नो। जैसे यहां पर जो गैस भरी हुई है इस बोतल के अंदर मैं कितनी गैस भर सकता हूं ये बताओ, जैसे ये बोतल है हमारे पास पानी की, इस बोतल के अंदर मैं कितना गैस भर सकता हूं, जितना इसका वॉल्यूम है, मैक्सिमम इतनी तो आ सकती है जितना इसका वॉल्यूम है। हमने कहा एक लीटर गैस आ सकती है इसके अंदर, मैं कंप्रेस करके भरू एक लीटर गैस आ सकती है। मतलब किसी भी चीज का कंप्रेस करने की लास्ट लिमिट क्या होता है, लिक्विड, उसको लिक्विड तक कंप्रेस किया जा सकता है। आपके घरों में जो सिलेंडर आते हैं उनके अंदर जो गैस भरी हुई है तो लिक्विड फॉर्म में होती है ना, तो उनको लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस किया जा सकता है। जितना किसी सब्सटेंस का किसी बोतल का वॉल्यूम है उतना ही उसमें गैस आ सकता है। अगर मैं इसके अंदर एक लीटर गैस भर लिया, अब उसको हम इसके कैप को अगर मैं खोल दूं तो एक लीटर गैस पूरे कमरे में चला जाएगा, यस और नो। उसका फ्री सरफेस नहीं होता है, गैसेस में क्या नहीं होता है, फ्री सरफेस नहीं होता, इसलिए वो अपने वॉल्यूम जितना वॉल्यूम मिलेगा उसमें ऑक्यूपाई होने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब मैं यहां पर है जो गैस यहां पर भरा हुआ है इसके पास ऑप्शन है ना कंप्रेस होने का, इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो इनके पास ऑप्शन है, इसलिए प्रेशर के साथ इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, यस और नो, ये कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, कोई समस्या। दूसरा हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां तक किसी को कोई समस्या, तो फिर ऐसे मत बैठा करो, ऐसे बैठे हो जैसे नरेगा के मजदूर हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबका ऐसा मुंह लटका हुआ है, कुछ नाश्ता वास्ता करके नहीं आते क्या तुम लोग, नाश्ता वास्ता करके नहीं आते क्या, कौन कौन नहीं करके आता, इसलिए खुश रहो, एकदम फ्री होके पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है बोर्ड पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब भैया टेम्परेचर का इफेक्ट देखूंगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहे, यस और नो, टेम्परेचर का इफेक्ट देखूंगा तो प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू रो आर टी, अब मैं यहां से कर दू रो इंटू टी इज इक्वल टू पी अपॉन आर, यस और नो, और पी अपॉन आर क्या हो गया कांस्टेंट ना, पी अपॉन आर क्या हो गया कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट का डिवाइडेशन है तो ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन टी, तो यहां से क्या हो गया डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन डेंसिटी इज डिक्रीज। अब देखो जो जब हम गैसेस को टेम्परेचर देते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर देते हैं तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है, मतलब वो दूर दूर जाना स्टार्ट करते हैं, उनको पास एनर्जी आ जाती है, यस और नो, वो दूर दूर जाना स्टार्ट करते हैं। जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, तुम्हारे टेबल के नीचे जितने लोग बैठे हो उतना हम गैस लगा दें, रुकोगे क्या, भागने की कोशिश करेंगे ना। तो ये जैसे ही गैसेस को एनर्जी मिलती है तो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, यस और नो, और दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे मतलब इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होगा, बढ़ेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर गैप बढ़ेगा तो डेंसिटी, यस और नो, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंडीशन हुआ जिसको हमने समझा है, कंडीशन हमारे पास सिंपल है, कंडीशन हमारे पास सिंपल है कि इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का जो इफेक्ट है किसके लिए,
लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन गैसेस के लिए प्रेशर बढ़ाने पर तो डेंसिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। इसी को हम नोट लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। लिक्विड की डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होती है। और फॉर द गैसेस इफ प्रेशर इज इंक्रीज द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द डेंसिटी इज डिक्रीज। यस और नो? तो यहां से लिखना स्टार्ट करें, ये वाला लिखो इसको, चलो नोट लगा के लिखें। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगला पॉइंट लिखें, फोर गैसेस इफ प्रेशर इज इंक्रीज, फोर गैसेस इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, देन डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, फुल स्टॉप। If temperature is increase, if temperature is increase, comma, density is decrease, density is decrease. कोई समस्या? यहां से यह प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि लिक्विड पर क्या इफेक्ट होगा और गैसेस पर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि दो टॉपिक बनते हैं, एक तो डेंसिटी और एक होता है विस्कोसिटी। जो इफेक्ट का क्वेश्चन आता है इन दोनों से ही आता है। जो इफेक्ट का क्वेश्चन आता है लिक्विड पर और गैसेस पर, वो किससे आएगा? या तो डेंसिटी से या फिर विस्कोसिटी से। तो डेंसिटी का हमने देख लिया। कोई समस्या? क्या जी? एयर की डेंसिटी लगभग 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, लगभग। अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन 1.2 से 1.25 के बीच में, ठीक है। देखो इधर एक प्रॉब्लम देखें, द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन किलोग्राम सेकंड स्क्वायर पर मीटर फोर फॉर वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा कि सर ये तो डेंसिटी का यूनिट था ही नहीं भाई। इन्होंने क्या पूछा है कि वाटर का डेंसिटी निकालो। क्या निकालो? डेंसिटी निकालो। जो हमने डेंसिटी पढ़ा है उसी को हम मास डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं? मास डेंसिटी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मास डेंसिटी निकालो किस यूनिट में? किलोग्राम सेकंड स्क्वायर पर मीटर फोर। ऐसा यूनिट कुछ होता ही नहीं है, तुम उसको निकाले कहां से? जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो टाइप है क्वेश्चन की, किसी भी टॉपिक से आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है उसको किस तरह से करना है। तो पहले तो आप इस यूनिट को लिखो, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर फोर। अब इसको यूनिट को मैं दो भागों में लिख दूंगा, एक तो वाटर की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी जो हमारी यूनिट होती है, वो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू बचा क्या? सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई समस्या? ये तो हो गई वाटर की डेंसिटी और ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन्होंने पूछा कायदे से है व्हाट डेंसिटी ऑफ वाटर पर यूनिट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये पूछा है, यस और नो? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? पूछा उन्होंने डेंसिटी ऑफ वाटर पर यूनिट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब अपॉन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूछा है। दिस इज 101.9 किलोग्राम सेकंड स्क्वायर पर मीटर फोर, ये पूछा है इन्होंने। उन्होंने पूछा क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर पर यूनिट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इससे इनकी यूनिट निकल के आएगी। आंसर हो गया हमारा डी, नोट कर लीजिए। क्या 10 लेने के बाद डेटा बदल रहा है ना? अगर 10 लेने के बाद डेटा नहीं बदलता, ये 100 होता और ये नहीं होता तो हम 10 मान लेते, अगर यही होता और 100 नहीं होता तो भी 10 से मान के कर लेते लगभग, लेकिन डेटा बहुत नियर है तो हमें तो 9 पॉइंट एग्जैक्ट डेटा पे जाना पड़ेगा, फिर इसलिए 9.81 पे गए।